फ्लिपकार्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर लिखा करके आता है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करके मैं आपको 100% वर्किंग ट्रिक के साथ बताऊंगा। जबकि दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक आरएटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऐप सेटिंग मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो इस ऐप सेटिंग पर आप क्लिक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर ऐप सेटिंग नहीं मिलता है तो फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऐप सेटिंग। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ ऐप सेटिंग, तो देख सकते हैं मैं सर्च किया हूँ ऐप सेटिंग, तो यहाँ पर ऐप सेटिंग आ चुका है। तो इस तरीके से आप सर्च कर लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको ऐप सेटिंग नहीं मिलता है तो फिर आप यहां पर सर्च करेंगे मैनेज ऐप। ओके दोस्तों, इतना आप सर्च करेंगे मैनेज ऐप तो यहां पर मैनेज ऐप आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मैनेज ऐप आ चुका है। तो सभी के फ़ोन में अलग अलग सेटिंग होती है, तो आप अपने फ़ोन में देखिए कि इस दोनों में से कौन सी नाम से सेटिंग है, उसके बाद आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में दोनों सेटिंग है, तो मैं यहाँ पर मैनेज ऐप पर क्लिक करता हूँ। हो सकता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐप सेटिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ऐप सेटिंग, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज ऐप यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पर मैनेज ऐप पर क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन में डायरेक्टली मैनेज ऐप है तो आप डायरेक्टली मैनेज ऐप पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जितना सारा एप्लीकेशन रहेगा वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फ़्लिपकार्ट को इस तरीके से ढूंढना है, देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर फ़्लिपकार्ट को ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप फ़्लिपकार्ट ढूंढ लीजिए और उसके बाद उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन है और आपको यहाँ पर शो नहीं होता है फ़्लिपकार्ट, तो यहाँ पर सर्च करेंगे फ़्लिपकार्ट तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हमें फ़्लिपकार्ट पर क्लिक करना है। फ़्लिपकार्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फ़्लिपकार्ट का ऐप इन्फो आएगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, फ़्लिपकार्ट समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा और दोनों ही वर्क करेगा बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरीके से आप क्लिक कर लीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों वाईफाई मोबाइल डाटा ये ऑप्शन मिलेगा, तो इस सब को आपको इनेबल कर देना है, देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर वाईफाई मोबाइल डाटा इस दोनों को इनेबल कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आप इनेबल कर दीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लीजिए। इतना सेटिंग आपको दोस्तों यहाँ पर करना है, उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है। ओके दोस्तों, जिस तरीके से मैं बैक करता हूँ उसी तरीके से आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बार ओपन कर लीजिए, इस तरीके से देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन बार ओपन किया हूँ। और नोटिफिकेशन बार ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में ऑन कर देना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एयरप्लेन मोड, तो इसे हमें ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 4-5 सेकंड ऑन करना है फ्लाइट मोड में। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। उसके बाद फिर से फ़्लाइट मोड को ऑफ़ कर देना है, देख सकते हैं मैं ऑफ़ कर चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा फ़्लाइट मोड ऑफ़ हो चुका है और यहाँ पर मेरा इंटरनेट स्पीड भी आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बैक करना है, उसके बाद फ़्लिपकार्ट ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जो अभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ वो मेरा सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं फ़्लिपकार्ट ओपन किया हूँ एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ईजी तरीका से मेरा फ़्लिपकार्ट ओपन हो चुका है, बल्कि पहले मेरे फ़्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा था। यहाँ पर लिखा कर क्या रहा था, फ़्लिपकार्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस प्रॉब्लम को मैं बहुत ही ईजी तरीका से सॉल्व कर दिया हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक आरएटी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय।